हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं मेरे 17 ब्लैक काजल आपको दिखाने वाली हूँ। इनमें से जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो भी मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप भी अपने लिए ले सकते हैं। वैसे तो ये सारे काजल जो हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं, बट फिर भी, और डिस्क्रिप्शन में इन सभी काजल के डेमो रिव्यू आपको मिल जाएंगे, तो आप जा करके चेक कर लीजिएगा। और यदि इनके प्राइस में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन में ही चेक कर लीजिएगा। वीडियो में उनके पूरे फुल प्राइस, मैंने जो कंप्लीट प्राइस रेंज है वो बताई हुई है। तो मैं बस आपको मेरे बेस्ट काजल दिखाने वाली हूँ, ब्लैक काजल। तो सबसे पहला जो काजल है ये है फ्रॉम लैक्मे आइकॉनिक, और ये काजल इसलिए भी सबसे अच्छा है क्योंकि ये अफोर्डेबल काजल है। और इसमें आते तो कई सारे शेड हैं, जैसे कि ब्राउन, ग्रीन, टर्किश, ब्लैक, बट मुझे ये वाला जो काजल है बेसिकली वो बहुत ज्यादा पसंद है। 0.35 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में आता है और ये बहुत ज्यादा प्रिटी है। इस वक्त जो मैंने मेकअप किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर के ये ट्रेडिशनल मेकअप लुक चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो काजल है, सॉरी, इसकी जो एमआरपी है वो 275 रुपीज है, बट ये 180 रुपीज तक मिल जाता है। लैक्मे आइकॉनिक काजल, एंड ये बहुत अच्छा है। पहले तो इसमें व्हाइट काजल भी आता था, अभी बंद हो गया है, आई डोंट नो व्हाई। अगला है फ्रॉम प्लम गुडनेस, और ये है प्लम का नेचर स्टूडियो ऑल डे वियर कोल काजल, और ये काजल है ब्लैक ब्रिलियंस शेड, एंड ये आता है 495 रुपीज का, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा है। वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है और पैराबिन फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, तो ये काजल बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। प्लस ये काजल बिल्कुल एकदम डार्क ब्लैक कलर देता है, एकदम ब्लैक कलर, मतलब यदि मैं कहूं कि आपको एकदम जो स्मज प्रूफ टाइप का डीप ब्लैक लुक वाला जो काजल चाहिए तो आप ये ले लीजिए। इस पे भी डिस्काउंट आता रहता है और ये आपको प्लम गुडनेस की साइट पे मिल जाएगा। डायरेक्टली आप व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप इसे नायका से मंगा सकते हैं। और अगला जो काजल है ये है फ्रॉम सो नेचुरल्स, और ये आता है 100 रुपए का काजल। इस काजल के बारे में मुझसे टिकटॉक पे बहुत ज्यादा पूछा गया था। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप इसको लगाओगे तो स्टार्टिंग में उतना ब्लैक नहीं दिखेगा, लेकिन एक दो बार अप्लाई करने के बाद ये डीप ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल स्मज नहीं होता। और ये घी से बना हुआ काजल है इसलिए ये आईज के लिए बिल्कुल सेफ है, और सिर्फ 100 रुपए का है, बट इट्स वेरी नाइस। और ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो सो नेचुरल्स का ये काजल जरूर ट्राई करिएगा। अगला है फ्रॉम लोटस इकोस्टे काजल, और ये काजल है 100% वेजिटेरियन, एंड 10 घंटे तक रहता है, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ। और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी आती है, ये आती है 1.2 ग्राम, और ये एकदम ब्लैकेस्ट ब्लैक काजल है, और इसको ना ब्यूटी अवार्ड भी मिले हुए हैं इस काजल को, बट ये काजल बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये भी 495 रुपीज का ही आता है आई थिंक सो, बट इस पे भी आपको 10% तक तो डिस्काउंट मिल ही जाता है, लेकिन ये है बहुत अच्छा अगर आपको ट्राई करना है। मैं बोल रही हूँ कि ये तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, बट फिर भी मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको एक से दो काजल जो इन सब में बेस्ट है वो सजेस्ट करूंगी। नेक्स्ट फ्रॉम ये है लैक्मे एब्सोल्यूट कोल अल्टीमेट काजल, और ये है वाटरप्रूफ, स्मज प्रूफ, लॉन्ग वियर, मॉइस्चराइजिंग, 1.2 ग्राम है मेंशन है। तो ये स्मजर के साथ में आता है इस तरीके का, इसका ये सिलिकन स्मजर है, और ये है कोल पेंसिल, एकदम ब्लैक कलर आता है, लेकिन इससे ना सबसे ज्यादा अच्छा लुक आता है स्मोकी आई लुक क्रिएट करने के लिए, ये ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। काजल लुक में उतना मुझे ये नहीं पसंद है, बट स्मोकी आई के लिए अच्छा है। अगला है फ्रॉम नायका आई एम स्मोकी आई काजल, ब्लैक स्मोक 001, और ये भी 1.2 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में आता है। एक तरफ स्मजर है और दूसरी तरफ इस काजल का, ये काजल है, इसको शार्प करना पड़ेगा, बट ये लैक्मे का काजल आई थिंक 795 समथिंग का आता है, तो ये एक्सपेंसिव है, और ये आता है आई थिंक 499 रुपीज का नायका का। जैसा कि मैंने कहा, आप इन सभी के जो इंडिविजुअल वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में,
देख लीजिए, वहां पर आपको इसका फुल डिटेल वीडियो मिलेगा। और यदि किसी काजल का वीडियो नहीं होगा तो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगी। और अगला जो काजल है वो है फ्रॉम फेसेस अल्टिम प्रो इंटेंस जेल काजल, और ये है स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ इंटेंस कलर के साथ में, और ये 1.2 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में आता है। ऑलमोस्ट इन सभी काजल की जो शेल्फ लाइफ है वो 3-3 ईयर है, लेकिन काजल रोजाना में वियर करने वाली जो मेकअप प्रोडक्ट है इसलिए अच्छा भी लगता है। और ये इसका इधर का कैप खो गया है इसके स्मजर की साइड का, बट ये काफी ज्यादा डीप ब्लैक है, वैसे तो जेल बेस्ड है और काफी ज्यादा अच्छा है ये। अगला है फ्रॉम कलबार, और ये है कलबार का डीपेस्ट ब्लैक कलर, जस्ट ब्लैक 001, जस्ट स्मोकी काजल, और ये आता है एकदम बेस्ट स्मजर के साथ में, डीप ब्लैक कलर है इसका। और ये काजल 1.2 ग्राम, ऑलमोस्ट 1.2 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी आती है, एंड ये आता है 695 या 595 समथिंग का आता है। और इसमें मैंने ना ब्राउन काजल भी लिया हुआ है जो कि मस्ट हैव काजल है, ये इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है इससे आंखें, तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल काजल मैं बोलूंगी मेरे पास जो ब्राउन काजल है कलबार का, बट आप ब्लैक ट्राई करिएगा पहले, और इससे स्मोकी आई लुक भी बहुत अच्छा आता है। अगला है फ्रॉम NYBay, और ये है लॉन्ग आइलैंड वाटर रेसिस्टेंट स्मज प्रूफ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड डीप इंटेंस कोल आई पेंसिल, और ये पेंसिल जो है वो इस तरीके से आती है, काफी ज्यादा थिक इसकी पेंसिल है, बट ये डीप ब्लैक लुक देता है। आप मेरे चैनल पर इसका डेमो चेक कर सकते हैं, और इसमें 2.5 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, सिर्फ 85 रुपीज का है, लेकिन इस पे डिस्काउंट आता है तो आपको ये जस्ट हाफ प्राइस में मिल जाएगा दोस्तों। अगला है फ्रॉम लैक्मे, लैक्मे का जो काजल है ये आता है 75 रुपीज का, सिंपल काजल पेंसिल है, 2 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी आती है। इस तरीके की जो काजल पेंसिल आती हैं ये काफी ज्यादा सही रहती हैं, बट ये थोड़ा स्मज भी होता है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप इसको संभाल करके लगाएं। और अगला है फ्रॉम पर्पल, और ये पर्पल के मेरे पास कई काजल हैं, जैसे कि 3 काजल हैं पर्पल के। फर्स्ट जो काजल है ये है पर्पल स्मोकी आई पेंसिल स्मोकी डोकी, मेड इन जर्मनी है ये 1.2 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में, तो इस तरीके से आता है, स्मजर भी है इसमें जैसे कि लैक्मे और फेसेस एंड कलबार का जो काजल है बिल्कुल उस तरीके का। और दूसरा है पर्पल कोल आई पेंसिल आई मीगो मेड इन जर्मनी, और ये आता है 1.2 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में, एंड ये आप देख सकते हैं ये भी एक काजल पेंसिल ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्मजर नहीं है। तो अगला है फ्रॉम NYBay, और ये है बिग एप्पल ऑफ माय आई कोल, वाटर रेसिस्टेंट है, स्मज प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ये 0.25 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी आती है, और ये बिल्कुल ब्लैक लुक देता है। इससे मैंने मेरे चैनल पे आपको जो डेमो वीडियो दी हुई है इसकी वो आप जरूर देखिएगा। अगला है फ्रॉम कलबार, और ये है कलबार का सिंपल मेसमराइज काजल जो कि ब्लैक 001 है मेड इन जर्मनी, और ये इस तरीके की सिंपल आई पेंसिल है, इस तरीके का काजल है जैसे कि लैक्मे आइकॉनिक का होता है, बट ये आई थिंक 399 रुपीज का आता है, काफी अच्छा है। और अगले जो 2 काजल हैं ये है फ्रॉम नायका, ये आप देख लीजिए, पहला है नायका रॉक द लाइन काजल 0.35 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, एंड आई थिंक ये 199 रुपीज का आता है। और दूसरा जो काजल है ये है नायका आई एम 24/7 काजल इबोनी सोल 0.35 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ में आता है, सॉरी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। और ये जो काजल है इन दोनों में मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज मैंने इस वक्त ये यही लगाया हुआ है और काफी ज्यादा ब्लैक लुक देता है। तो ये हो गए काजल जो कि बहुत ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें से जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूंगी, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ ट्राई करना है तो आप अपनी आंखों के लिए ये प्लम का काजल ट्राई कर सकते हैं जो कि ऑल डे वियर कर सकते हैं, और ये काजल काफी ज्यादा अच्छा है।
उसके अलावा अगर आप 500 की रेंज में नहीं जाना चाहते, अफोर्डेबल में जाना चाहते हैं, तो सो नेचुरल्स का काजल यूज कर सकते हैं। ये दो काजल मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगी। तो ये थे मेरे काजल। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल पर इस तरीके की बहुत सारी वीडियो है, आप जरूर देखिएगा और इनके डेमो वीडियोज भी जरूर चेक करिएगा। एंड जो मेरे पास आई लाइनर्स हैं या फिर जितने भी आई मेकअप प्रोडक्ट हैं उनको मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, स्पेशली जो उनका कलेक्शन है, तो आप चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां पर आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग चैनल पे नहीं ढूंढ पाते, तो मुझे फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक एंड स्नैपचैट पर। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों।